नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुरुषों में होने वाले हाइड्रोसिल्स की समस्या के लक्षण, उसके कारण और उसके बचाव के बारे में इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को संपूर्ण देखे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। पुरुषों में एक कॉमन प्रॉब्लम कई बार सर्जरी के लेवल तक भी पहुंचा देता है, जिसे हम हाइड्रोसिल्स कहते हैं। आखिर हाइड्रोसिल्स क्या है? हाइड्रोसिल्स जो है पुरुषों में होने वाला एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर आपको वास्तविक बातें पता लगे तो कई बार आप उसको होने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि हाइड्रोसिल होता क्या है। हाइड्रोसिल जो है पुरुषों में अंडकोश के स्क्रॉटम के बाहरी हिस्से का जो आवरण में जब पानी या फ्लूड्स जमा हो जाए, मतलब स्क्रॉटम जो पुरुषों के अंडकोश हैं उसके बाहरी आवरण जो है कवरिंग एरिया में अगर पानी भर जाए या लिक्विड फ्लूड्स इकट्ठा हो जाए तो ऐसी स्थिति को ही हाइड्रोसिल कहा जाता है। 10% न्यूबॉर्न बच्चों में ये जन्म के साथ ही पाया जाता है और साल दो साल के अंदर अपने आप भी ठीक हो जाता है। 1% यंग जनरेशन्स को ये प्रॉब्लम बहुत बार ऐसी स्थिति में भी डाल देता है जिसमें कई बार उनको दवाइयों से हेल्प नहीं मिलता तो सर्जरी के लेवल पर भी जाना पड़ता है। सिम्टम्स के ऊपर बात करें तो अंडकोश में सूजन आ जाना, लालपन आ जाना, उसके साथ साथ अंडकोश में भारीपन महसूस होना, ग्रोइंग एरिया जो है अपने गुप्तांग के दोनों ओर का उधर एक डिस्कम्फर्ट महसूस होते रहना, और बराबर स्क्रॉटम एनलार्ज हो जाने की वजह से, अंडकोश में एनलार्ज हो जाने से चलने फिरने में दिक्कत होना, चुभन जैसा महसूस होना या प्रेशर जैसा निचले पेट में महसूस होना, ये कॉमन लक्षण पाए जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोसिल के शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं है, ना दर्द है, ना कुछ है, हल्का सूजन जरूर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में सूजन के साथ साथ दर्द की स्थिति बहुत तीव्र भी पाया जाता है। अब हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे तो बहुत बार देखा गया है कि चोट लगना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इंजरी के वजह से कई बार टेस्टिकल्स में या स्क्रॉटम में अंडकोश में इंजरी हो गया या कई बार ट्यूमर हो गया, इसके वजह से भी हाइड्रोसिल्स बन सकता है, या कई बार कोई इन्फ्लेमेशन के वजह से या हार्निया जैसी बीमारी के वजह से भी कई बार हाइड्रोसिल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार एक्सेस फ्लूड जमा होने लगता है अंडकोश में खुद ब खुद, इसके वजह से भी हाइड्रोसिल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। प्रिवेंशन के तौर पर अगर बात किया जाए तो हमेशा ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसे एक्टिविटी ना करे जिससे स्क्रॉटम में अंडकोश में चोट लग जाए। टाइट ज़्यादा कपड़े, घिसड़ने वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिनको हाइड्रोसिल्स हो जाता है उनको एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्टिव गियर जरूर पहनने चाहिए, या ऐसे कैप जरूर आते हैं जो अंडकोश को एक जगह कॉम्पैक्ट रखते हैं, बार बार मूवेबल होता रहेगा तब जो है कई बार हाइड्रोसिल्स को ठीक होने में समय लग जाता है। इसके साथ साथ स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत बुरी आदत है, हाइड्रोसिल्स के पेशेंट्स को बिल्कुल इससे बचना चाहिए। और इसके साथ साथ जब भी ऐसी समस्या नज़र आए तो तत्काल अपने नज़दीक के डॉक्टर से सलाह जरूर करना चाहिए। एस्पिरेशन मेथड से या स्क्लेरोथेरेपी से भी इसका उपचार होता है। एस्पिरेशन में नीडल द्वारा फ्लूड्स को बाहर किया जाता है। इसके साथ साथ ओपन सर्जरी और लेजर सर्जरी की व्यवस्था है, लेकिन इनसे हट करके होम्योपैथिक में हाइड्रोसिल्स के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों का प्रॉपरली ट्रीटमेंट फॉलोअप के साथ साथ शुरुआत से ही लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है और आपको कभी भी सर्जरी के लेवल पर शायद ना जाना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ हाइड्रोसिल्स से जुड़े हुए जो कॉमन जानकारी मैंने आपको शेयर किया है ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।